राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान चुनाव से पहले सचिन पायलट ने जन संघर्ष पद यात्रा की घोषणा की है, जो अजमेर से शुरू होगी। ये यात्रा 125 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें सचिन पायलट जनता के बीच जाएंगे और उनकी शिकायतें सुनेंगे। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वह जब भी वसुंधरा राज के कार्यालय में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो उन्हें गहलोत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए अब उन्होंने फैसला लिया है कि 11 मई को अजमेर से एक पद यात्रा का आरंभ करेंगे, जो 5 दिन चलेगी। इस दौरान सचिन पायलट जनता के बीच जाकर उनकी बातें सुनेंगे। सचिन पायलट का कहना है कि उन्होंने कई बार राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। RPSC का कार्यालय अजमेर में है, इसलिए अब वह खुद वहां जाएंगे और भ्रष्टाचार के विरोध में यात्रा निकालेंगे। यह पदयात्रा 125 किलोमीटर लंबी होगी और 5 दिन तक चलेगी। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार सही फैसला तभी लेगी जब जनता का दबाव बनेगा, इसलिए वह आमजन की शिकायतें सुनेंगे और उसे सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान BJP द्वारा गलत और खराब शब्दों का प्रयोग किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसे शब्दों की सचिन पायलट ने निंदा की है और BJP पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये सब सुनने के बाद भी भाजपा ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सचिन पायलट अब 11 मई को पद यात्रा करने जा रहे हैं, जो कि अजमेर से शुरू होगी। अब देखते हैं कि वे कितने आमजनों की शिकायतें सुनते हैं। आगे की लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।